नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के वरिष्ठ सपा नेता पूर्व विधायक सनातन पांडे ने हो रहे देश प्रदर्शन पर बीजेपी केंद्र सरकार के नीतियों पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार आड़े हाथों लिया और कहा कि देश भर में हो रहे एनआरसी और सीए मामले पर प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश जल रहा है और दंगा पे जमकर सरकार के खिलाफ बोला और कहा बीजेपी सरकार ने केवल असली मुद्दा से हटकर काम कर रही है। जहां पूरे देश में बेरोजगारी है, नौजवान लाचार है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसे छोड़कर मोदी जी और अमित शाह एनआरसी और सीए लाए हैं, जिसके वजह से पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। इसकी जिम्मेदार बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार है, जिसके वजह से बीजेपी एक दूसरे के बीच भाईचारा समाप्त करा रही है। वही जगह जगह नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद देश के विभिन्न इलाकों में इसके विरोध प्रदर्शन दंगा का रूप ले लिया है। इस क्रम में बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश में जो नए कानून लगा है उसका विरोध हो रहा है। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जो है अपने चुनावी मुद्दे से कोई भी मतलब नहीं है। नौजवानों के भटकाने के लिए यह एनआरसी और सीएए को लाया गया है और भारत का गृह मंत्री का जो बयान आया कि हमको जो है हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा, उनका बयान हिटलर शाही जैसा था। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति जिन पर ये कानून को लेकर के आए हैं, उन लोगों के वोट से भी या उन लोगों का वोट भी इनमें शामिल है जिसकी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं और जो कि हुकूमत में आज काबिल है, काबिज हैं। हिंदुस्तान जो है विश्व के पटल पर सेकुलरिज्म सबसे बड़ा हमारे यहाँ है, लेकिन हमारा जो एक हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारे भाईचारे की संस्कृति थी, जो हमारा हिंदुस्तान के स्वरूप था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो है हम एक भाईचारे के रूप में कायम थे और हमें किसी पर कोई विवाद के नहीं होता था। अगर विवाद समय समय पर कोई दंगे हुए भी तो उनमें भी इन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा। आज हमारी संस्कृति थी उसको समाप्त करने के लिए और जनता के ध्यान को भटकाने के लिए कि जनता जो है बेरोजगारी पर सवाल ना पैदा करे, किसान अपने भुखमरी पर सवाल ना पैदा करे, देश के संपर्क जो है लूट कर लेकर के भाग गए उन पर जो है कोई बहस न हो। ये जब सत्ता जब ये चुनाव में आए थे तो बाहरी देशों से जो है काला धन लेने की बात ले आने की बात कही थी, उस पर कोई चर्चा न करे और कोई ये भी न चर्चा करे कि हिंदुस्तान से रुपया लेकर भागने वाला हर जो है वो नागरिक हिंदू है, उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं है और न कोई एनआरसी के लोग शामिल है। वो सारे के सारे लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है उन्हीं वहीं से आते हैं जहाँ से जो है आपके जो है डॉक्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं और ये सारे के सारे लोग जो है इन्हीं लोगों के इशारे पर हमारे देश का रुपया लेकर के बाहर भागे हुए हैं। इनकी अगर ताकत है अपने ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को भारत में ले आने के लिए करते, अगर अपने जो है बहुमत का उपयोग काला धन लेकर के भारत में आए होते और भारत के लोगों में संपन्नता आती, उस पैसे से भारत में विकास होता, तो हमारे समझ से सभी लोग जो है हिंदुस्तान के लोग जो है उनका इस बात का स्वागत करते कि यह सरकार जो आई है कांग्रेस हुकूमत के बाद जिस एजेंडे को लेकर के जनता की विचार थी उस एजेंडे के बाद काम कर रही है। लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए नौजवानों को दीवा स्वप्न दिखाया गया, 2 करोड़ हर साल जो है नौकरी देने की बात कही गई, नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, रोजगार देने के बाद छोड़ दीजिए, उतने लोगों का रोजगार इनके द्वारा छीन लिया गया। बाहर विदेश से काला धन ले आने की बात की गई, हमारा देश जो है दूसरे देश के लिए हमारा धन दूसरे देश में चला गया।
बिल्कुल इनके जो न जो कहकर हमारे बीच आए थे उसके विपरीत ये काम अपना कर रहे हैं। जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है तो हिंदू मुसलमान एआरसी ये तमाम चीज़ को जो है पैदा कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है सीधे तौर पर जिम्मेदार ये देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री है, न कि कोई अन्य दल है। लेकिन जिस तरह से बलिया ने मिसाल कायम किया, जिस तरह से हर जगह दंगा हुआ, हर जगह सब कुछ हुआ, लेकिन बलिया के लोगों ने सबको सबक सिखाया, तो इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, बलिया जो है भृगु मुनि की तपस्थली है, तपोभूमि है। यहाँ हमारा जो जो हमारा राजनीतिक सोच है वो इनों से बड़ा है। ये भारत के सीमाओं को सिकुड़ना चाहते हैं और बलिया ऐसी जगह है जहाँ जब तक हिंदुस्तान में हुकूमत करने वालों की मनमानी हुई है तो उस पर कहीं से लगाम लगा है तो वो बलिये से ही लगाम लगा है। चाहे इंदिरा गांधी की हुकूमत का सवाल हो तो अगर कहीं से लगाम लगा उस पर तो बलिया से ही लगा। आज भी जो है अगर हमने शांतिपूर्वक जो है अपना प्रदर्शन किया है इस बात के द्योतक है कि हम आपके गलत काम का विरोध करते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से करते हैं, जयप्रकाशवादी तरीके से करते हैं। हम अपना विरोध जो है शांतिपूर्वक दर्ज कराने का काम किए और जो भी दंगे हो रहे हैं उसमें नुकसान सिर्फ हमारे देश का हो रहा है, उसमें किसी बाहरी देश के आदमी का नहीं हो रहा है। सरकार क्यों नहीं समझ रही इस बात को लेकर? सरकार को तो इसमें फायदा दिखाई दे रहा है। सरकार तो पूरे हिंदुस्तान को जो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट देना चाहती है, उनको तो वोट से मतलब है, उनको अपने कुर्सी से मतलब है। हिंदुस्तान का आवाम सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, हिंदुस्तान का नौजवान जो है को रोज़गार मिले कि नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान पर किसान जो है रोज हत्याएं कर रहे हैं उस सवाल पर जो है वो खड़ा होकर नहीं खड़े होंगे, उनके पास तो जो है सिर्फ वोट की बात है। वो 24 घंटा जब आए हैं तब से सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। कभी जो है टिप्पण तलाक के रूप में आ जाएंगे, कभी लव जिहाद के रूप में आते हैं, हैं? कभी आज जो है NRC के लेकर के आए। इससे इस हिंदुस्तान का न भला होने वाला है, न हिंदुस्तान के नौजवान का भला होने वाला है, न हिंदुस्तान के किसान का भला होने वाला है। यह जो है संपूर्ण रूप से जो है हिंदुस्तान को बांटने की साजिश है और हिंदुस्तान के नक्शे को छोटा करने की सोच है। जिस तरह से नोटबंदी अचानक लाए उसी तरह NRC और कैग भी लाए, तो क्या ये सरकार की नीति है? ये सरकार जो है चारों तरफ अपने नीति जिसको कहते हैं कि सरकार की नीति क्या है, सरकार अपने जो है बनाए जो है जो उन्होंने नीति बनाया है वो सब चारों तरफ से ध्वस्त है। उन्होंने जो है नोटबंदी जब किया तो नोटबंदी का मतलब था कि हमारा जो हमारे देश में जो नंबर 2 का रुपया है वो खुल करके सामने आ जाएगा। अभी नंबर 2 रुपया तो 1 पैसा आया नहीं, हमारा मूल रुपया भी जो है भी वापस नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ जो गरीब लोग पैसा जमा किए उसे खातों में उनको अपना पैसा निकालने के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े और लोग जो है अपनी बहू बेटी की शादी भी अपने मन के अनुरूप उस समय नहीं कर पाए। और आप नोटबंदी पर सिर मत जाइए, आज आपकी स्थिति क्या है? आप बलिया में हैं, बलिया में जिला सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक में जिस व्यक्ति का 1 लाख रुपये भी अगर जमा है तो किसी पूंजीपति का नहीं है, वो आम किसान गरीब मजदूर का पैसा जमा है। वो अपने मन से आज भी नोटबंदी के 3 साल से ऊपर बीत गए लेकिन आज भी जो है अपने मन से रुपया नहीं निकाल सकता है। आप अपना रुपया निकाले के जाते हैं, वहाँ का मैनेजर कहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम आपको 2000 रुपये देंगे, शादी का कार्ड लगा कर लाइए तो हम आपको 25% देंगे। तो जब हमारा रुपया अपने ही बैंक में सुरक्षित नहीं है, इससे और देश का जो है दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है।